एक दिन ऑस्कर को पता चलता है कि एल्फ्रेड और मारिया के बीच अफेयर चल रहा है, जहां पर मारिया एल्फ्रेड को दिलो जान से चाहती थी, लेकिन एल्फ्रेड मारिया को बस इस्तेमाल कर रहा था, जिसको जानने के बाद मारिया काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। कहानी की शुरुआत में हम पोलैंड के एक खेत में एना नाम की एक औरत को काम करते हुए देख पाते हैं। तभी जोसेफ नाम का एक आदमी पुलिस ऑफिसर से भागते हुए उसके पास आता है और उस औरत को उसे छुपाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, जिस वजह से वो औरत उसे अपनी स्वर्ग के अंदर छुपा लेती है। थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आता है और एना से उसके बारे में पूछता है, लेकिन एना उन्हें बताती है कि जोसेफ उस तरफ भागा है, जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर जोसेफ को ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी एना जोर से चीख पड़ती है जैसे कि उसे किसी ने काटा, लेकिन वो पुलिस कांस्टेबल उसके ये सब कुछ करतूत को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि जोसेफ स्वर्ग से बाहर निकलता है और अपने पैंट के खिड़की को बंद करके एना के साथ वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद से जोसेफ एना के साथ ही रहने लगता है और ऐसे ही और एक साल गुजर जाता है। वो दोनों अभी भी पुलिस से छुप कर रह रहे थे, लेकिन एक दिन पुलिस ऑफिसर जोसेफ को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, जिस वजह से जोसेफ पुलिस से बचने के लिए पानी में कूद जाता है और इसके बाद से वहाँ पर किसी को भी जोसेफ के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जोसेफ पानी में डूबकर मर चुका है और कुछ लोग सोचते हैं कि जोसेफ वहाँ से अमेरिका भाग गया है और अमेरिका में एक आलीशान जिंदगी जी रहा है। दूसरी तरफ एना काफी मुश्किलों का सामना कर रही थी और बाजार में फल और सब्जी बेचकर किसी तरीके से अपनी और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। इधर उसकी बेटी एग्नेस अपने कजन जॉन से प्यार करती थी, लेकिन उसकी शादी एक जर्मन सेफ एल्फ्रेड के साथ हुई थी, जिस वजह से कुछ ही दिनों के अंदर वो एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम वो ऑस्कर रखती है। अब पैदा होने के बाद ऑस्कर रोना बंद नहीं कर रहा था, जैसे कि वो पैदा होना ही नहीं चाहता, लेकिन एग्नेस जब उसे 3 साल की उम्र में एक ड्रम देने का वादा करती है तभी वो रोना बंद कर देता है। इसके बाद ऐसे ही 3 साल गुजर जाता है और ऑस्कर के 3 साल के बर्थडे पार्टी में एग्नेस उसे एक ड्रम गिफ्ट करती है, जिसको पाकर ऑस्कर काफी खुश हो जाता है और उस ड्रम को बजाने लगता है। इसी दौरान ऑस्कर अपने बर्थडे पार्टी में बड़े लोगों को शराब पीते हुए देखकर उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है और उसे बड़े लोगों के ऊपर घिन आ जाता है, जिस वजह से वो फैसला करता है कि वो कभी भी बड़ा नहीं होगा और वो हमेशा ऐसे ही छोटा बनकर रहेगा। इसीलिए वो एक कठोर प्रतिज्ञा लेता है और छत से कूद जाता है। उस दिन के बाद से ऑस्कर एक बच्चा ही रह जाता है और उसकी फिजिकल ग्रोथ भी बंद हो जाता है। वो अपने साथ हमेशा अपने फटे हुए ड्रम को रखता है और वो उस ड्रम को किसी को भी नहीं देता। इसी दौरान एक दिन जब उसके पास से उस ड्रम को छीना जा रहा था, तभी उसे पता चलता है कि उसकी चीखने की ताकत इतना ज्यादा है कि इससे वो किसी भी कांच और कान के पर्दे को फटा सकता है, जिसके बाद वो अपने इस अनोखे कला को अपने दोस्तों को भी दिखाता है और ऐसे ही फिर से और 3 साल गुजर जाता है। ऑस्कर अभी 6 साल का हो चुका था, पर ऑस्कर अभी भी उस ड्रम को अपने से दूर नहीं रखता था, और कोई भी अगर उससे उस ड्रम को छीनने की कोशिश करता था तो वो चीख कर शीशे को तोड़ देता था। दूसरी तरफ उसके माता और पिता बस यही सोच रहे थे कि ऑस्कर बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। एग्नेस हर मंगलवार को ऑस्कर को लेकर शहर जाती है, जहाँ पर वो ऑस्कर को एक दुकान में छोड़कर जॉन के साथ मंगलवार में मंगल कार्य करने के लिए जाती है, लेकिन एक दिन ऑस्कर अपने माँ को जॉन के साथ मुँह काला करते हुए देख लेता है। खैर, इसके बाद फिर से और कुछ साल गुजर जाता है और ऑस्कर जब 12 साल का हो जाता है, तभी उसके माता पिता उसे एक दिन सर्कस दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। वहाँ पर काफी सारे बौने लोगों को देखकर ऑस्कर के माता पिता को लगता है कि शायद ऑस्कर भी एक बौना बच्चा है, इसलिए वो बड़ा नहीं हो रहा है। अब शो के खत्म होने के बाद ऑस्कर वाइग्रा नाम की एक बौने आदमी से मिलता है, जो कि ऑस्कर को देखकर समझ जाता है कि ऑस्कर उसी की तरह ही एक बौना है। साथ ही साथ वो ऑस्कर की कांच तोड़ने वाली अनोखी पावर को भी देखता है, जिसको देखकर वो ऑस्कर को उसके साथ सर्कस में काम करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ ऑस्कर के माता पिता जब ऑस्कर को वाइग्रा के साथ बात करते हुए देखते हैं, तभी वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है और पोलैंड में नाजी जर्मन सेना धीरे धीरे आ रहे हैं और वो लोग ज्यूस लोगों के ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं। इधर एग्नेस ऑस्कर को जिस दुकान पर छोड़कर जाती है, उस दुकान का मालिक मार्कस एक ज्यूस था और वो एग्नेस को पसंद भी करता था, इसलिए वो एग्नेस को उसके साथ लंदन चलने के लिए कहता है, लेकिन एग्नेस उसके साथ जाने से मना कर देती है और अपने घर वापस आ जाती है। इसके बाद से एग्नेस ऑस्कर को लेकर काफी परेशान रहने लगती है और डिप्रेशन में ज्यादा से ज्यादा मछलियाँ खाने लगती है, जबकि मछली खाने से उसे सख्त एलर्जी थी। इसी दौरान हमें पता चलता है कि एग्नेस जॉन के बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन वो इस बच्चे को लेना नहीं चाहती है। दूसरी तरफ एल्फ्रेड को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी बीवी के गोदाम में किसका सामान है और वो बस एग्नेस को जिंदा रखना चाहता था, लेकिन एग्नेस इस बोझ को लेकर जिंदा नहीं रह पा रही थी, जिस वजह से कुछ ही दिनों तक ऐसे ही मछलियाँ खाने के बाद मछली खाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके फ्यूनरल में मार्कस भी आता है, लेकिन नाजी जर्मन लोग उसे वहाँ से धक्के मारकर निकाल देते हैं क्योंकि वो एक ज्यूस था। थोड़ी देर बाद जब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, तभी मार्कस एग्नेस के कब्र के पास आता है और एग्नेस को अपनी दिल की बात बताता है। इधर शहर में नाजी जर्मन लोग ज्यूस लोगों के ऊपर काफी अत्याचार कर रहे थे और वो लोग उनके घर और दुकान को जला देते हैं, जिस वजह से मार्कस
भी डिप्रेशन में आकर जहर पीकर अपनी जान दे देता है। लेकिन मार्कस के मरने के साथ ही ऑस्कर के नए ड्रम पाने का सपना भी टूट जाता है, क्योंकि उस शहर में मार्कस इकलौता था जो ड्रम बनाता था। इसीलिए वो अपने पुराने ड्रम को ठीक करवाने के लिए जॉन के साथ जाता है और जॉन उसे अपने ऑफिस यानी पोस्ट ऑफिस लेकर जाता है। अब वहाँ पर पहुँचकर जॉन को पता चलता है कि नाजी जर्मन सिपाही उनके ऊपर हमला करने वाले हैं। इसीलिए पोस्टमास्टर जॉन को भी एक गन देकर नाजी जर्मन के साथ उसे लड़ने के लिए कहते हैं। उस दिन वहाँ पर एक काफी भयानक हमला होता है, जिससे कि वो पोस्टमास्टर घायल हो जाता है जो कि इस हमले को लीड कर रहा था। यहाँ पर ऑस्कर और जॉन उसे बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों उसे बचा नहीं पाते। इसके बाद नाजी जर्मन सिपाही पूरे पोस्ट ऑफिस में आग लगा देते हैं और जॉन के साथ साथ बाकी सारे लोगों को बंदी बनाकर उन्हें जान से मार डालते हैं। दूसरी तरफ ऑस्कर किसी तरीके से एक पागल आदमी की वजह से नाजी जर्मन सिपाहियों से बच जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अल्फ्रेड मारिया नाम की एक 16 साल की लड़की को अपने घर के काम में रखता है, जहाँ पर वो ऑस्कर की भी ख्याल रखती है। यहाँ पर ऑस्कर मारिया के साथ रहकर उसके प्यार में पड़ जाता है और उसे चाहने लगता है। उधर मारिया को लग रहा था कि ऑस्कर एक बच्चा है, पर ऑस्कर और मारिया दोनों की ही उम्र बराबर थी, जिस वजह से ऑस्कर मारिया के काफी करीब आ जाता है और मारिया को लेकर उसका विचार भी कुछ अलग ही था। खैर, एक दिन ऑस्कर को पता चलता है कि अल्फ्रेड और मारिया के बीच अफेयर चल रहा है, जहाँ पर मारिया अल्फ्रेड को दिलो जान से चाहती थी, लेकिन अल्फ्रेड मारिया को बस इस्तेमाल कर रहा था, जिसको जानने के बाद मारिया काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। इधर ऑस्कर मारिया को जब संभालने की कोशिश करता है, तभी मारिया उसके ऊपर गुस्सा होकर उसे धक्का दे देती है और उसे बोना कहकर गालियां देने लगती है। थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा शांत होता है, तभी वो ऑस्कर के पास आकर उससे माफी मांगती है, पर बदले में ऑस्कर उसे मारकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मारिया अल्फ्रेड के बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन ऑस्कर उस बच्चे को मारना चाहता है, पर वो जब उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है, तभी मारिया उसे रोक लेती है। इसके बाद कुछ ही दिनों में मारिया एक बच्चे को जन्म देती है, जिसको पाकर घर के सभी लोग काफी खुश होते हैं, सिवाय ऑस्कर के। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑस्कर को ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा उसका है, इसलिए वो उस बच्चे को काफी प्यार और दुलार देता है, जैसे कि वो उस बच्चे का पिता है। दूसरी तरफ ऑस्कर की पड़ोसन लीना अपने पति से खुश नहीं थी, क्योंकि उसका पति एक गे था और वो अपनी बीबी से ज्यादा नाजी जर्मन लड़कों के साथ वक्त गुजारता था। पर एक दिन जर्मन लोगों ने उसे नाजी जर्मन लड़कों के साथ गलत काम करते हुए देख लिया और सजा के तौर पर उसे जान से मार दिया गया। इधर ऑस्कर का दोस्त वाइग्रा सेकंड वर्ल्ड वॉर के वक्त नाजी जर्मन सिपाहियों के लिए काम कर रहा था, इसलिए ऑस्कर को भी उसके साथ काम करने के लिए पेरिस चलने के लिए कहता है, जिसके बाद से ऑस्कर वाइग्रा के साथ नाजी जर्मन लोगों को एंटरटेन करने का काम करने लगता है। और इसी दौरान वो रोज लेती नाम की एक लड़की से प्यार भी करने लगता है, जो कि दरअसल उसी की तरह ही छोटा पैकेट और बड़ा धमाका थी। अब ऑस्कर की वहाँ पर काफी अच्छी तरीके से कट रही थी, लेकिन तभी एक दिन अमेरिकन सोल्जर उस जगह पर हमला करते हैं और इस हमले के चलते रोज लेती की राम नाम सत्य हो जाता है और ऑस्कर के पास से उसका इकलौता प्यार भी छिन जाता है। इसके बाद ऑस्कर फिर से अपने घर वापस आता है, जहाँ पर वो मारिया के 3 साल के बेटे को एक ड्रम गिफ्ट करता है, जैसे कि उसे बचपन में उसकी माँ ने दिया था। यहाँ पर मारिया ऑस्कर को पसंद नहीं कर रही थी और ऑस्कर के वापस आने पर उसे थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अल्फ्रेड ऑस्कर के आने पर काफी खुश था, क्योंकि बाप तो बाप ही होता है। दूसरी तरफ शहर में चारों तरफ दंगे फसाद चल रही थी, क्योंकि इस वक्त सेकंड वर्ल्ड वॉर काफी जोरों शोरों से चल रहा था और नाजी जर्मन सिपाही आम ज्यूस लोगों के ऊपर टॉर्चर करके उन्हें जान से मार रहे थे, जिस वजह से अल्फ्रेड अपने फैमिली के साथ साथ लीना को लेकर पूरा दिन बेसमेंट में छुपा रहता था और सिर्फ रात में ही खाने की तलाश में बाहर आता था। पर एक दिन कुछ नाजी जर्मन सिपाही उन लोगों को ढूंढते हुए बेसमेंट के अंदर आ जाता है और लीना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। साथ ही साथ वो लोग अल्फ्रेड को भी उसका परिचय देने के लिए कहता है, लेकिन अल्फ्रेड उनसे झूठ कहता है और वो कहता है कि वो नाजी जर्मनी है। पर उन लोगों को अल्फ्रेड की बातों पर विश्वास नहीं होता और अल्फ्रेड के हुतिया हरकत करने पर वो लोग अल्फ्रेड को जान से मार डालते हैं। अगली सुबह मारियस नाम की एक ज्यूस आदमी अल्फ्रेड के दुकान पर आता है, जिसको उस जगह का नया मालिक बना दिया गया है। अल्फ्रेड के दुकान को अपने हाथ में लेने के बाद मारियस ने ही अल्फ्रेड के फ्यूनल को संभाला, क्योंकि उसकी बीबी और बच्चे भी एक एक्सीडेंट में मर गए थे और वो अपने को खोने का दर्द जानता था। अब अल्फ्रेड के फ्यूनल पर ऑस्कर को एहसास होता है कि वो पूरी तरीके से अनाथ है, इसलिए उसे फिर से बड़ा होना होगा, जिस वजह से वो अपने ड्रम को उस कब्र में फेंक देता है और तभी एक बच्चा उसके सर पर एक पत्थर मारता है, जिससे वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक आदमी ऑस्कर को चेक करने के लिए आता है और उसे चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि ऑस्कर फिर से बड़ा होने लगा है, जबकि मैगी बनने में भी 2 मिनट का वक्त लगता है, पर उस आदमी को सब कुछ पता था। खैर, इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑस्कर मारिया के साथ उस देश को छोड़कर जा रहा था और इधर एना, जो कि अभी काफी बूढ़ी हो चुकी थी, वो वहीं पर ही रुक जाती है। यहाँ पर ऑस्कर चिल्लाकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, पर तभी उसे पता चलता है कि उसके बड़े होने के साथ साथ वो अपने चिल्लाने की आवाज से कांच तोड़ सकता था, वो शक्ति भी उसकी चली गई है। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मजेदार मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।